इस तरह की सम्स की हम ट्रिक पहले भी बता चुके हैं, इसमें इधर उधर नहीं भटकना होता, बस सिंपल सा ही देखो, फोर के टेबल में कितनी बार में ट्वेल्व आता है, फोर के टेबल में थ्री बार में आता है, तो फोर थ्री दा ट्वेल्व, इसी तरह जब फोर के टेबल में थ्री बार में आता है तो हमें जिस जितनी बार में फोर के टेबल में आता है उतनी बार से थ्री को मल्टीप्ल, इस थ्री से यानी थ्री बार में आता है तो थ्री से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थ्री थ्री दा नाइन, ठीक। इसी तरह सिक्स के टेबल में कितनी बार में एट्टीन आता है, थ्री बार में, है ना, तो सेवन को भी हमें थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेवन थ्री दा ट्वेंटी वन, ठीक है। अब इस तरह का सवाल जैसे ये मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर में कर लेंगे पहले, थ्री वन दा थ्री, तीन दो पाँच, है ना, पाँच अपॉन थ्री हो गया, और एक्चुअल में हमारा सवाल ये बन गया, है ना। थ्री के टेबल में नाइन कितनी बार में आता है, थ्री बार में। फाइव के टेबल में फाइव को थ्री से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव थ्री दा फिफ्टीन, ये हो गया हमारा, यहाँ पे हम फिर क्या पढ़ देंगे, फिफ्टीन। नीचे वाला आप बताएं।